अरे अरे भाई, मैं यहाँ हूँ, यहाँ अंदर। अब बाहर निकलने की ना तो फुर्सत है और ना हालत। और मैं अपनी कहानी इसीलिए बयां कर रहा हूँ ताकि आपकी मेरे जैसी हालत ना हो जाए भाई। हम क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कभी सोचा है वो कैसे बनाई जाती है? हाँ, तो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा, तो आप अब पूछोगे कि मैं कौन हूँ? भाई, मैं वही हूँ जो आप सब हो। आई मीन द मैंगो मैन, आम आदमी। अब मुझे कोई शौक तो नहीं है कि सारे दिन यहाँ बैठे रहने का, लेकिन क्या बताऊं, दोस्त की शादी का न्योता था और हुआ यूं कि सारा टेबल बिखरा पड़ा था लज्जतदार खाने से। दोस्त ने जरा जबरदस्ती की तो मैंने बस दो चार रोटी और एक सब्जी खाई और निकल पड़ा घर की ओर, लेकिन पहुंचा कहीं और। फिर बॉटल, इंजेक्शन, मानो सुई ही अपनी सहेली और गोली अपना यार। डॉक्टर ने कहा फूड पॉइजनिंग हुआ है और मेरा पहला रिएक्शन था, क्या कहा, पॉइजन, यानी मैं मरने वाला हूँ? कितने दिन है डॉक्टर मेरे पास। पॉसिबिलिटी है कि तुमको इन्फेक्शन हो सकती है और ये डायरिया के लिए है, और साथ में उल्टी भी, वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के लिए। वो तो बाद में पता चला कि फूड पॉइजनिंग दरअसल कुछ और है। तो ये तीन टाइप्स के होते हैं, फूड इंटॉक्सिकेशंस, फूड इन्फेक्शंस, फूड बोन टॉक्सिक इन्फेक्शंस। और ये सबके जिम्मेदार, यानी कि ये गब्बर, मोगैम्बो, खलनायक, कारचाचीना है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैथोजेंस कह लो। और होता क्या है कि हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए और ये सारे विलन्स हम पर हल्ला बोल देते हैं, जिससे या तो फिर मेरे जैसा हाल होता है, यानी कि डायरिया, उल्टी, कमजोरी या फिर बुखार। और इतना ही नहीं, इससे जोड़ों में दर्द, पेनफुल यूरिनेशन, पैरालिसिस या फिर किडनी फेलियर और डेथ भी हो सकती है। अरे हाँ भाई, पता है मुहूर्त निकला जा रहा है। लो, ये सब ज्ञान सेशन में मेरी कहानी तो रही गई। आपने तो सोच भी लिया होगा कि दोस्त की शादी में खाया और यहाँ पहुंच गया लेक्चर झाड़ने। फिर मैं अपने काम में लग गया और कभी ढाबे में खा लिया, कभी कभी लारी पर, तो कभी शानदार होटल में, मेरे खर्चे पर नहीं, दोस्तों की जेब से। अब आप कहेंगे कि हाँ, फिर से गलत। अरे, उसके बाद मुझे लगा कि जो खाने बनाने की जगह है वो आखिर है कैसी। अब आप ही देख लो, ऐसे माहौल में फूड पॉइजनिंग नहीं होगा तो और क्या होगा। अब बात निकली ही है तो ये भी बता दूं कि डॉक्टर से मैंने क्या क्या सीखा। अरे भाई, खाने को इतनी देर तक खुला मत रखो वरना गब्बर आ जाएगा। इसे देखो, उंगली कर रहा है, इन्फेक्टेड लोगों खाने से दूर रहो। अरे, ऐसी भी क्या जल्दी है मैडम, खाने को जरा पक तो देने दिया होता। सचिन सिक्स मारे तो कमेंट्री की क्या जरूरत भला, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ ही लेता है। हाँ भाई, मक्खी तो फिल्म में मैंने भी देखी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खाना ऐसे रख दिया जाए और मक्खी को हीरो बना दिया जाए। मैंने मांगी थी सफाई और तूने दिया हाथों का मैल। अरे, ये पेस्ट्री है या है कोई पेस्ट? ये तो रिसाइकल की फिलॉसफी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगे हैं। जी जी, अरे हाथ तो धो लिया होता मेरे शौचालेश्वर महाराज। अब तो घर पर ही खाना सबसे सेफ है, क्यों? देख लो, ये सारी गलतियां आप या आपके कुक्स भी करते होंगे विथ योर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, क्यों? अच्छा, एक तरफ अगर ये सब है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसा भी। कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करो।
जरा हाथ की सफाई में ध्यान दो। किचन को गोदाम मत बनाओ। पुण्य का पुण्य, कीटाणु भी शून्य। रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाएं। साफ और सेफ पानी उतना ही जरूरी है जितनी की साफ हवा। एगमार्क और BIS चिन्ह वाला ही फूड खरीदें। अब इतना तो कर ही सकते हो। और हाँ, डिटर्जेंट और साबुन को खाना बनाने की जगह से दूर रखो। काश उस कमबख्त कुक ने ये सब किया होता तो आज ये दुल्हा यहाँ नहीं होता। जी हाँ, मैं अपनी ही शादी के दिन खाना टेस्ट करने से यहाँ पहुंचा हूँ। एक्चुअली हुआ यूं कि चार फेरे तो हमने ले लिए, लेकिन फिर कंट्रोल नहीं हो पाया, यहाँ भाग के आना पड़ा। और अब, अरे अब आप भी जाइए, मैं जरा बाकी खत्म कर लूं। लू ये किसी वॉशिंग पाउडर का टैगलाइन नहीं लगता। ये लोग फिल्मों में ऐसी लाइंस क्यों लिखते हैं यार? इतना कुछ देखा तो कुछ तो सीखा ही होगा ना। चलो भाई, अब क्रेडिट्स रोल करो इस पकाऊ फिल्म की। रोल करो, रोल करो।